नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अकेले हूं लेकिन फिर भी गेम समझिए ही है। गेम समझिए में मैं आपको आज महाराष्ट्र की जो बैठक होने वाली है, आज उस बैठक को लेकर के तैयारियां अपने सवाब पर हैं। आपको पता ही चला होगा, कल भी हमने खबरों में बताया था कि लगातार होटल ग्रैंड हयात में दौरा पर दौरा हो रहा है। क्या व्यवस्था है, किस तरह से लोगों को वहाँ हॉस्पिटलिटी मिले, किस तरह से लोगों के खाने पीने का इंतजाम हो, ये सारी व्यवस्थाएं तीन टुकड़ियों में बांटी हो गई है। इन तीन टुकड़ियों में तीनों जो वहाँ के महाघाड़ी जो गठबंधन बना था उसके दल हैं, वो मिल करके कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ पार्ट अपने तरफ से खर्च कर रही है, तो होटल का जितना भी खर्च होगा वो उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। वहीं अन्य खर्च के लिए शरद पवार ने जिम्मेवारी ली है। यानी मिला जुला करके ये कंबाइंड एफर्ट के तहत ये दिखाने की कोशिश या फिर खर्च करने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसी पर भार नहीं पड़े। ये सिलसिला आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर प्रश्न बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो मिजाज होगा, आपका जो मन होगा, आपका दिल होगा, आत्मा होगा, सब ये सोच रहा होगा कि आखिर बिहार का क्या होगा। क्या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक बनाए जाएंगे? इन बातों को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो चीजें समझ में आ रही है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश बाबू महाराष्ट्र पहुंचे उससे पहले लालू प्रसाद वहां पहुंच गए हैं और वो जबरदस्त फील्डिंग टाइट कर रहे हैं। इतनी फील्डिंग टाइट कर दिया है उन्होंने कि कई बात उन्होंने कहा है जिसको लेकर के अब चर्चा बनी हुई है। ममता बनर्जी अलग अपना राग अलाप रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कुछ अलग ही बयान आ रहे हैं। लेकिन इन सब में मायावती को लेकर के जो बयान और जो भ्रम की स्थिति फैलाई हुई थी, कि इस भ्रम की स्थिति में कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो सारा चीज, सारा खेल मायावती को लेकर के जो बातें सामने आई हैं, उसके लिए जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उस भ्रम को कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से इस मीटिंग के एक दिन पहले, अरे समझ लीजिए कि पूरी तरह से दूर कर दिया गया। दोनों ही पक्ष से बयान आ गए, लेकिन इन सबके बावजूद जो मायावती ने शब्द कहे हैं, उन शब्दों को आपको बड़ा बारीकी से गौर करना होगा कि ये कैसा गठबंधन है, जिस गठबंधन में यदि हम शामिल हो गए तो सेकुलर हो गए और नहीं शामिल हुए तो भाजपा के एजेंट हो गए। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ लंबे समय तक चले हैं, लेकिन आज वही अपने आप को सेकुलर बता रहे हैं। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं मायावती ने एक पिच पर जबरदस्त ढंग का बॉलिंग कर दिया है, जिसको लेकर के अब उसे बाउंसर समझे, गुगली समझे या जो समझे, आगे इंडिया गठबंधन के लोग कैसे इसे लेते हैं, ये कल जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है उसमें स्पष्ट हो जाएगा। कल जब आप देखिएगा कि मीडिया के सामने जब बातचीत होगी और क्या हुआ इस बैठक में, वो बातें जब कहने के लिए लोग आएंगे तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो रिश्ता है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके लालू प्रसाद के पुत्र को दे दें। यह रिश्ता इसीलिए चल भी रहा है, यह रिश्ता इसलिए भी चल रहा है कि लालू प्रसाद की टीम एक लंबे समय, लंबे सुखाड़ के बाद 15 साल उधर सत्ता से दूर रही, उसके बाद 2005 से लेकर के 2013 तक सत्ता से दूर रही, 2015 तक सत्ता से दूर रही, 10 साल उधर सत्ता से दूर रही, सत्ता में आई तो नीतीश कुमार ने हाथ झटक दिया, फिर 3 साल सत्ता से दूर रही, एक बार फिर आई है तो ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ हो जाए जिसके चलते नीतीश कुमार ने सत्ता से बेदखल कर दें या फिर राज्यपाल के पास जाकर के सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दें। इन सारी बातों का उधेड़ बुन चल रहा है और नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश चल रही है। इस बीच में आपको खबरें मिली भी होंगी कि एक तरफ जहां मायावती को लेकर के मायावती ने सारी बातें कही है, तो वहीं लालू प्रसाद से जब पूछा गया, लालू प्रसाद एक दिन पहले गए हैं वही फील्डिंग करने के लिए, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, इन सारी बातों को लेकर के जब ये सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें साफ होती नजर आ रही हैं, तो उलझ भी रही हैं। नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि और कई दल जुड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद का कहना है कि उनको बुलाता कौन है, किसने उनको बुलाया था।
यानी कि आप समझ लीजिए कि ये मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उस राज्य में इंडिया गठबंधन के इस तरह से बिखराव को लेकर के फायदे में होगी। पहले भी ऐसा फायदा मिल चुका है, 2014 में भी आपने देखा, 2019 में भी आपने देखा। अब बात अगर उसके आगे की करें तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो 174 सीटें हैं उन सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति पर नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं लेकिन वो रणनीति सफल नहीं हो पा रही है। अभी भी ममता बनर्जी को लेकर के एक नया बवाल पैदा हो गया जिसकी खबरें हमने कल आपको बताई थी। ममता बनर्जी ने अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बुला करके बंगाल दिवस मनाने की तिथि तय करने की एक मीटिंग बुलाई थी सर्वदलीय, लेकिन उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही भंडोल कर दिया, बहिष्कार कर दिया, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के बहिष्कार करने से और कई तरह की बातें कहने से कहीं ना कहीं ये मामला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की तैयारी हो लेकिन राज्यों में मामला अटक गया है। नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि 174 सीटें जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है उसे मिला करके कहीं ना कहीं वो एक बड़ा गठबंधन, बड़ा संगठन बनाए जिससे कि मजबूती के साथ सब कुछ चले और इस मजबूती में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती में सिर्फ एक राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा है और वो है पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें दिल्ली की तो वहां भी स्थिति आपको समझ में आ रही है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अलग ही बयान आ रहा है, वो अब बिहार में अपना डेरा जमाना चाहते हैं, ये सारी चर्चाएं हम आपसे कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह है कि आखिर नीतीश कुमार के लिए कौन सी फील्डिंग सजा रहे हैं लालू प्रसाद, क्या इस फील्डिंग से नीतीश कुमार को आउट करने का प्लान है या फिर ऐसी फील्डिंग सजानी है कि आए नीतीश कुमार धड़ाधड़ चौवा छक्का मारते रहें। ये दोनों ही परिस्थितियां तब मानी जाएगी जब नीतीश कुमार मुंबई पहुंचेंगे। हालांकि ये भी बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार मुंबई जाने के पहले कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब जो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे और मुंबई जाने का उन्होंने कई बार कहा है, मीडिया के सामने बातचीत किया है कि वो मुंबई जा रहे हैं और मुंबई जा रहे हैं तो उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, यानी कि मैच से पहले ही उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है, उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि जिसको जो करना है करे, जिसको जो पद लेना है ले, मेरा काम था इस इंडिया गठबंधन को एकजुट करना और मैंने वो काम कर दिया है। अब इसके आगे की कहानी आपको हम बताते रहेंगे। इसके आगे की कहानी में हम कल आपसे जब मिलेंगे तो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आज पूरे दिन भारत लाइव की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर लगी हुई है। हम एक एक मिनट का अपडेट देंगे कि आखिर मुंबई में हो क्या रहा है। एक बात तो तय मान के चलिए कि लालू प्रसाद के एक दिन पहले जाने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, उसका बड़ा मतलब है, क्योंकि लालू प्रसाद गए, उन्हें अलग से सम्मान दिया गया, उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, दर्जनों नेता पहुंचे, उनका एक अलग तरह से स्वागत किया गया। उसके बाद दिन भर आज चर्चाओं का दौर चला, कई बातें, कई ऐसी चीजें जो हैं लालू प्रसाद ने कही भी, इस अवस्था के बावजूद, बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद इतना एक्टिव हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद इस इंडिया गठबंधन के सुपर बॉस हैं और वो जो फैसला करेंगे वही फाइनल होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के एक एक चीज पर गौर किया जा रहा है। अभी तक बयानों में सिर्फ लालू प्रसाद का बयान इस इंडिया गठबंधन को लेकर के आया है, बाकी कोई भी नेता किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। इसमें 26 दलों के शामिल होने की बात की जा रही है कि वो तो शामिल होंगे ही, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे दल बढ़ सकते हैं, 100 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि ये महाराष्ट्र की बैठक इन दोनों बैठक से कैसे अलग होती है और इस बैठक के बाद
इंडिया गठबंधन का स्वरूप क्या तय होता है, नीतीश कुमार जिम्मेवारी लेने के लिए राजी होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या लालू प्रसाद एक दिन पहले जाकर के वो जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ था कई संयोजक बनाने का, एक अध्यक्ष बनाने का, उस सारे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देंगे और नीतीश कुमार को कमान दिलवा देंगे, या फिर ये करेंगे कि कुछ ऐसा वहां किया जाए जिससे नीतीश कुमार को दिल्ली में ही रोक लिया जाए, नीतीश कुमार देश भर में दिल्ली से ही अपना भ्रमण करें और बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दें। यह दिलचस्प बात है कि इसके लिए तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं और आखिरकार होता क्या है यह देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।